हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो गाइस, आज अपन फिर से इंटर्नशिप्स के बारे में देखने वाले, जो कि आज मैं आपको 7 इंटर्नशिप्स देने वाला हूँ जिसमें आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए गाइस, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या इवन फोर्थ ईयर में भी हो अपने फाइनल ईयर में, और प्लस अगर आप इस साल ग्रेजुएट हुए, मतलब 2021 में अगर आप ग्रेजुएट हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। इसलिए मैं अभी आपको लेटेस्ट वीडियो दे रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप में अप्लाई कर लो, क्योंकि जैसी ये कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है, इंटर्नशिप वगैरह, वो जल्दी फेल हो जाती है अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाते गाइस। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को मिल जाए इंटर्नशिप, तो गाइस जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लेना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस, ठीक है। और मैं आपको प्रॉपर 700 इंटर्नशिप्स के बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको जिस भी इंटर्नशिप में, जिसमें भी आप जाना चाहते हो, तो उसमें आपको जस्ट फॉर्म फिल करना है और आप डायरेक्टली एनरोल हो सकते हो गाइस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला, आपको कोई अभी एग्जाम नहीं देना, कोई फीस नहीं देना, जस्ट आपको एक फॉर्म फिल करना है, सिंपल सा फॉर्म है। फॉर्म फिल करके जस्ट आपको वेट करना है आपका सिलेक्शन प्रोसेस का गाइस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस। और अभी तक अगर आपने चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो कॉमर्स बडी को, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। प्लस लाइक और शेयर करना मत भूलना गाइस, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने पुरानी स्कॉलरशिप वीडियोस नहीं देखे, पुरानी इंटर्नशिप्स के वीडियो नहीं देखे, तो आप द कॉमर्स बडी चैनल में सर्च करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे ना इंटर्नशिप्स के बारे में गाइस, तो आप देख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं स्कॉलरशिप्स या इंटर्नशिप्स के बारे में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आज के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के, कोई भी बीसीए एमसीए जो भी आप कर रहे हो, आप तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो एज एन इंटर्न गाइस। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली, अगर आप काम अच्छा करोगे तो हो सकता है आपको जॉब ऑफर भी आ जाए वहां से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को आज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ तो गाइस, अपन आ गए हैं। पहली आपकी इंटर्नशिप आती है जो कि भाई अमेजोन की तरफ से आई हुई है, आप देख सकते हो। अमेजोन की इंटर्नशिप है भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, जो कि इंटर्नशिप है बेसिकली। और ये आपको लोकेशन मिल रही है हैदराबाद, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई हम अमेजोन में सिलेक्ट हो जाए, आप जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, और अगर आप इंजीनियरिंग में आईटी, सीएस या कोई भी आप कर रहे हो भाई कोर्स अपना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, जिस भी ईयर में हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप प्रॉपर देख सकते हो, अमेजोन जैसी कंपनी हायर कर रही है इंटर्नशिप के लिए गाइस। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, स्टूडेंट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें गाइस। तो आप प्रॉपर हर चीज पढ़ सकते हो, ए टू जेड आपको क्या क्या काम रहने वाला है आप देख सकते हो, आपका काम क्या रहने वाला है। कोलेबोरेट विद द एक्सपीरियंस क्रॉस डिस्क्रिप्लिनरी टू कन्वे इन डिजाइन एंड ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मार्केट, फिर डिजाइन एंड बिल्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट। और बेसिकली आपको फंडामेंटल चेंजेस बताने इंडस्ट्री में क्या हो रहे हैं, क्रिएटिंग सोल्यूशंस टू रन प्रेडिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विद एक्सपोजर्स टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एट इनक्रेडिबल स्केल एंड स्पीड। बेसिकली आपको अलग अलग फंक्शंस बताएंगे लोग, प्रॉपर ट्रेनिंग में आपको बताएंगे क्या क्या आपका रोल्स होने वाला है। और गाइस आप खुद ही सोच रहे हो, अमेजोन जैसी कंपनी अगर आप हायर हो जाते हो इंटर्न के लिए, तो आपका पैकेज कितने का रहने वाला है। 40-50 हज़ार तो आप मान के चल लो मैक्स टू मैक्स है, खाली इंटर्न का मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा है। तो अगर आप काम अच्छा करो तो हो सकता है आपको फुल टाइम के लिए भी हायर कर ले। फिर प्लस आपको बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव स्टोरेज इंडेक्स, क्वेरी सिस्टम्स दैट आर स्केलेबल, फॉल्ट टॉलरेंट, लो कॉस्ट एंड इजी टू मैनेज, ये सब आपको भाई काम सिखाएंगे वो लोग। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उन्हें भाई, करेंटली एनरोल्ड इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। आप कोई भी लैंग्वेज आपको बननी चाहिए, आप देख सकते हो सी, जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन, तीनों में से कोई भी आपको लैंग्वेज बनना चाहिए। प्लस आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, एल्गोरिथम डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए गाइस। फिर आप देख सकते हैं प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन। तो अगर आप भाई थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आपने कोई भी अपने कॉलेज लाइफ में पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस से कोई बनाया ऐप वगैरह, तो भी आप अपने रिज्यूमे वो मेंशन कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हो। आप डिटेल एनालिसिस करके अपने रिज्यूमे फिल करके इनको सेंड कर सकते हो गाइस। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका पेज है आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो अप्लाई नाउ का, तो बस आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ करोगे क्लिक, तो इसमें आएगा कि आपका अमेजोन में अकाउंट है या नहीं है। अगर आपका अमेजोन में अकाउंट नहीं है तो आप अमेजोन अकाउंट बना सकते हो, डोंट हैव अ अमेजोन अकाउंट करके। और अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन विद अमेजोन कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ करके, क्योंकि आपको, क्योंकि मैं बेसिकली मैं इंजीनियरिंग फील्ड का नहीं हूँ गाइस, ठीक है। तो आप, मैं क्या करूंगा अप्लाई करके, इसलिए जो जो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं वो लोग डायरेक्टली अप्लाई ना करके अपना अमेजोन का अकाउंट बना लो, उससे जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि एक टाइम सबका एक्सपायर हो जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो भाई ये एक्सपायर हो जाएगी इंटर्नशिप, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर सकते हो इस इंटर्नशिप में, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट
इंटर्नशिप है जो कि गाइस एचपी की तरफ से आई है। जी हाँ, एचपी जो कि भाई अपन जानते हैं भाई लैपटॉप में सबसे आगे है भाई ये कंपनी एचपी, डेल वगैरह, तो एचपी की तरफ से ये इंटर्नशिप आई है गाइस। आप देख सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंटर्नशिप है गाइस। आपका बेसिकली यहाँ पे काम क्या रहने वाला है, आप देख सकते हो एचपी के बारे में आप पढ़ सकते हो। जॉब लोकेशन आपकी अगेन बैंगलोर कर्नाटका है गाइस, और अगर आप चाहते हो चेन्नई तमिलनाडु, ये भी आप ले सकते हो गाइस। जिनको भी एनरोल करना है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप गाइस, तो ये बेसिकली ये भी अगेन ग्रेजुएशन है। मतलब आप अगर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज कोई भी कर रहे हो या इंटर्नशिप आप करना चाहो, बस बेसिकली ये कोई भी जो कॉलेज स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें गाइस। तो बस जल्दी से जल्दी आपको एनरोल कर लेना इंटर्नशिप में, आप सिलेक्ट हुए चाहे नहीं सिलेक्ट हुए, बट एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि यार कैसे क्या इंटरव्यू फेस करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हायर्स विद इन 12 months ऑफ ग्रेजुएशन अंडर गोइंग अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होने वाली है, अप्रेंटाइज इंक्लूड्स स्टूडेंट्स वर्किंग एट द कंपनी हु आर एनरोल्ड इन अप्रेंटाइज प्रोग्राम्स इन एसोसिएशन विद देयर यूनिवर्सिटीज। फिर आपका यूज्ड इन कंट्रीज वेयर स्पेशलाइज्ड अप्रेंटाइजेस प्रोग्राम्स एग्जिस्ट। मतलब बेसिकली आपका काम रहने वाला है जो कि आपको एक रिसर्च वर्क दिया जाएगा, प्रॉपर रिसर्च कैसे करनी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च भी करना, प्लस आपको कुछ इनोवेटिव प्रोटोटाइप सोचना है क्या उसमें डेवलप हो सकता है, ये सब आपको बेसिकली देखना है गाइस। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली, जिनको भी एनरोल करना वो कर सकते हैं गाइस। प्रॉपर आपको सब चीजें पता चलेंगी क्या क्या इसमें कवर है, आप हर चीज देख सकते हो अबाउट द लोकेशन वगैरह हर चीज आपको भाई। और अगर आप चाहते हो फ्यूचर में भी एचपी की तरफ से हमें नोटिफिकेशन में, तो आप ये भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ईमेल आईडी, जिस भी जॉब में आप फाइनेंशियल एनालिस्ट करना चाहते हो या आप एडवाइजर एसोसिएट जो भी आपको बनना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, साइन अप कर सकते हो भाई। तो ये भी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जिनको भी अप्लाई करना, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन अप्लाई का, बस आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक कर देना है। और अप्लाई नाउ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एचपी का फिर से इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको ये जो है एचपी की इंटर्नशिप है, इसमें आपको फॉर्म अपना फिल करना है, प्रॉपर अपनी डिटेल्स देना है, नेम क्लास वगैरह, नेम कॉलेज जिस भी आप सेमेस्टर में हो। अगर आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट, अपने हिसाब से आप अकाउंट बना के एचपी में एनरोल कर सकते हो इसमें। ठीक है गाइस, अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आती है गाइस, ये भी अमेजिंग इंटर्नशिप है गाइस, डायरेक्ट आई। डायरेक्ट आई भी एक कंपनी है भाई, मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि भाई इंटर्न्स को हायर कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि बेसिकली इंजीनियर्स है और जो ग्रेजुएट हो रहे हैं 2022 में गाइस। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, आप देख सकते हो बैंगलोर कर्नाटका इसकी लोकेशन है गाइस, और प्रॉपर आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कैसा क्या हर चीज होती है। आप प्रॉपर इसके बारे में देख सकते हो कि क्या क्या कंपनी में है, क्या क्या फाउंडर वगैरह है, आप प्रॉपर ये सब पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, आपको हर चीज मिल जाएगी। स्किल्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए भाई, आप देख सकते हो जावा बननी चाहिए, रूबी पाइथन सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट वगैरह भी आपको बनती, तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको एस डेवलपर इंप्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको होना चाहिए, शार्प रीजनिंग और लॉजिकल बेंट होना चाहिए, यू आर पैशनेट अबाउट प्रोग्रामिंग एंड डिलीवरिंग, आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग बननी चाहिए ई टू जेड, चाहे आप कोई भी फील्ड के हो, जावा स्क्रिप्ट के हो, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी, पीएचपी, जो भी आपको बनता है आपको वो एकदम मास्टरी कर लेनी है, तभी आपको वही सिलेक्शन होएगा आपका। और फिर उसका यू हैव टू मेक डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, और ये सब आपको बेसिकली अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी अगर आप इंटर्नशिप में सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, आपको बेनिफिट्स और पर्क्स भी आप पढ़ सकते हो, क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलेंगी। फिर अगेन मैं आपको इसकी इंटर्नशिप की लिंक दे दूंगा, तो बस आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। और अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है, फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन, कंपनी नेम, करेंट कंपनी आपकी कोई नहीं है तो बस आप इधर कॉलेज का नाम डाल सकते हो। अगर आपकी लिंक्डइन में प्रोफाइल है तो आप लिंक्डइन का यूआरएल डाल सकते हो, और पोर्टफोलियो यूआरएल अगर आपका वैसे ही सेम, अगर आपको भाई अपना रिज्यूमे गूगल डॉक्स में अपलोड करना, फिर उससे लिंक आपको जनरेट करनी, वो मैंने आपको बताया कैसे करना है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो जो कि हमारा मेरा वीडियो नंबर 19 है गाइस। अगर आप उसमें देखोगे तो मैंने आपको बताया कैसे अपन को अपना वीडियो लिंक, जो भी आपका रिज्यूम है उसकी लिंक कैसे अपन बना सकते हैं यहाँ पे और अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी से हो, ईयर आपका ग्रेजुएशन का क्या है, सीजीपी या परसेंटेज आपका क्या है, स्पेशलाइजेशन आपको बताना है, आपने क्या क्या कोड हैकिंग या जो भी हैकर रैंक आपकी क्या रही है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपका स्टैक गेट या स्टैक ओवरफ्लो लिंक क्या है भाई, जो भी आपने प्रोग्राम्स वगैरह बनाए उन सब का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आर यू अवेलेबल फॉर 6 months की इंटर्नशिप होने वाली गाइस, आप देख सकते हो जैन 2022 से जून 2022 तक होने वाली है। कोई आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके आई एम अ ह्यूमन करके सबमिट एप्लीकेशन कर देना गाइस। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जिनको भी अप्लाई करना दे कैन अप्लाई गाइस। ठीक है, अब हमारी फोर्थ नंबर की इंटर्नशिप आती है गाइस, ये आपकी आपकी भाई
बेकर हुक्स कंपनी की तरफ से आती गई थी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंटर्न कंपनी है भाई, आप देख सकते हो। या ये हायर कर रही है भाई इंटर्न्स को बेसिकली, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। और लोकेशन आप देख सकते हो, कोयम्बटूर, तमिलनाडु वगैरह है गाइस। प्रॉपर आपको इस इंटर्नशिप के बारे में पता चल जाएगा क्या क्या आपको करना पड़ेगा। रिसीविंग कोचिंग एंड मेंटरिंग टू इनेबल यू टू कंप्लीट असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट टू डेवलप योर लर्निंग एंड स्किल सेट गाइस। फिर आप कंप्लीटिंग इंटरनल प्रोजेक्ट्स टू डिलीवर कस्टमर आउटकम्स एंड आइडेंटिफाई बिजनेस इंप्रूवमेंट्स, लर्निंग इंटरनल सॉफ्टवेयर टू असिस्ट विद द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली आपको अलग अलग काम होने वाले, कोलैबोरेट करना आपको अलग अलग टीम से, और फिर उसके बाद जो भी प्रिंसिपल्स हैं यहाँ के, जो भी एथिक्स वगैरह है, वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जिनको भी अप्लाई करना दे कैन अप्लाई गाइस। प्रॉपर आपको अबाउट अस में मिल जाएगा, ज्वाइन नाउ आप देख सकते हो। ये भी अगेन कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट कर सकता है आप, बट ये यहाँ पे देख सकते हो एक चीज आपको याद रखना, आप करेंटली बैचलर डिग्री होल्ड कर रहे हो, मतलब करेंटली पढ़ रहे हो, अपने लास्ट ईयर में हो या आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो अपने हिसाब से। फिर आप भाई जीपीए ग्रेड जो कि होता है भाई, आपको 4 में से एटलीस्ट आपका मोर देन 3 होना चाहिए, या आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने कॉलेज के परसेंटेज से डाल के कन्वर्ट परसेंटेज टू जीपीए करके। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपके अगर 3 के ऊपर है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करना आउट ऑफ 4 गाइस, ठीक है? नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आप प्रॉपर पढ़ के आपका अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना, और अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना है आपको। बस एक्सेप्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, और इन सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप टेंशन नहीं लो, आपको हर चीज की मिल जाएगी। ये देख सकते हो, आपको ये सब प्रॉपर डिटेल देनी है, फैमिली नेम, फादर्स नेम, करेंट कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, मोबाइल नंबर वगैरह, हर चीज आपको यहाँ पे देनी ए टू जेड, ठीक है? ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना गाइस, आज ही के आज ही एनरोल कर लेना 7 इंटर्नशिप में। जो जो आपको इंटरेस्टेड लग रही है आप जल्दी से एनरोल कर लेना गाइस, ठीक है? अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आती है गाइस, जो कि ये भी बहुत अमेजिंग इंटर्नशिप है गाइस, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि भाई कोई ना कोई इंटर्नशिप में तो हो ही जाए। अगेन कॉग्निजेंट की तरफ से इंटर्नशिप आई है गाइस, जो कि एचआर की इंटर्नशिप है, ह्यूमन रिसोर्सेस, जिनको भी एचआर फील्ड में जो आगे बढ़ना है या जो भी कोर्सेस करना है एचआर में, तो ये वाला आप इंटर्नशिप ले सकते हो गाइस। इसमें आपको प्रॉपरली लोकेशन गुड़गांव, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और पुणे में से कोई भी मिल सकती है गाइस। प्रॉपर आपको यहाँ पे INR आप देख सकते हो, आपको 25,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ गाइस। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, और ये 4 से 6 महीने की इंटर्नशिप होने वाली गाइस। प्रॉपर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं। प्रॉपर आपको टेक्निकल लर्निंग कोर्स मैनेजमेंट फॉर अ साइज अप टू 200 लर्नर्स, आपको ये सब बताया जाएगा, क्या क्या आपका प्रोग्राम्स रहने वाला, क्या क्या आपका फंक्शन है, रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई। गुड टीम मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए, ग्रेट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, एमएस ऑफिस का बारे में आपको बनना चाहिए गाइस। फिर एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए आपके अंदर, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट बनना चाहिए, शुड हैव हैंड्स ऑन विद एनी विद डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स, नॉलेज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, आपको डेटा विजुअलाइजेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि बेसिकली अपन ग्राफ्स देखते हैं, बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट वगैरह, डायग्राम। फिर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, आपका 12th में भाई मोर देन 60% होना चाहिए, या आप भाई कॉलेज में हो तो भी आपका 60% अबव होना चाहिए। फिर एनी ईयर पास आउट इज फाइन, कोई भी आप ईयर के पास आउट हो आप अप्लाई कर सकते हो। एनी BBA, BSc, BCom और MBA स्ट्रीम इज एलिजिबल टू अप्लाई, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और 6 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वुड बी एन एडवांटेज, अगर आपको कोई एडवांटेज है 6 महीने पहले का तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जो भी चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप में गाइस, बहुत ही अमेजिंग है ये। BCom स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबल है गाइस, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आती गई फुल स्टैक डेवलपर की। फुल स्टैक डेवलपर अगेन भाई, ये गो गार्डियन एक कंपनी है, वहां की तरफ से इंटर्नशिप आई है गाइस। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाले, तो आप देख सकते हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव एंड एलिगेंट वेब एप्लीकेशन आपको बनाने पड़ेंगे। फिर वर्किंग विद डिजाइनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स टू कोलैबोरेटली ओन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड लेयर टू डिलीवर स्टीलर एंड यूजर एक्सपीरियंसेस आपको प्रॉपर देने पड़ेंगे। टेस्ट एंड डीबगिंग, मेंटेन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और लाइफ स्टाइल, और प्रॉपर आपको आर्किटेक्ट, डेवलप एंड मेंटेन रीयूजेबल कंपोनेंट, तो ये सब आपका काम होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ उन्हें 2022 ग्रेजुएट्स चाहिए, और स्टूडेंट विद 7 एंड अबव CGPA कैन ऑल्सो अप्लाई गाइस। तो अगर आपके अबव 7 CGPA है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जिनने कोडिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है तो बहुत ज्यादा फायदा उनको होने वाला है। फैमिलियरिटी विद कॉमन स्टैक्स और एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, प्लस आपको HTML, CSS, JavaScript का भी नॉलेज होना चाहिए भाई, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको वेरियस
पर्क्स और बेनिफिट्स भी मिलने वाले, जिसमें आपको मल्टीनेशनल हाईली इनोवेटिव कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट होने वाले हो, आपको प्रॉपर चीजें बताएंगे कैसे क्या काम होता है, रॉबस्ट बेनिफिट्स आपको मिलने वाले इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, और भी बहुत से बेनिफिट्स रहेंगे, वो सब आपको मिलेंगे गाइस। फिर आपको ये सब ट्रेनिंग पीरियड में बताएंगे कि ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो गाइस, ठीक है। फिर बस आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए अप्लाई कर देना इंटर्नशिप बेसिकली। तो इंटर्नशिप में बस आपको एक फॉर्म फिल करना है, बेसिक फॉर्म है, रिज्यूमे, फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, करेंट कंपनी में आप अगेन कॉलेज का नाम डाल सकते हो, लिंक्डइन, अदर वेबसाइट, और अगर कोई खुद की आपकी वेबसाइट है तो भी आप उसकी लिंक डाल सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर आपको डिटेल मिल जाएगी, जेंडर, रेस, हर चीज आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हो गाइस। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली, जिसको भी अप्लाई करना तो दे कैन अप्लाई गाइस, ठीक है। हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप है गाइस, जो कि लास्ट इंटर्नशिप मैं आपको बता रहा हूँ, कैडेंस की तरफ से आई है, जो कि अगेन इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है गाइस। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे गाइस। तो अगर आपके फ्रेंड्स है जो कि इंजीनियर्स है, वो लोग को आप जल्दी से मेरे वीडियो की लिंक शेयर कर देना, तो लोग जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि कैडेंस है भाई, ये बेसिकली पुणे लोकेशन दे रही है गाइस, और ये 13 दिन पहले ही अपलोड हुई है जॉब पोस्ट गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे बीई, बीटेक और एमई, एमटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये 11 महीने की इंटर्नशिप होने वाली गाइस। तो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है, प्लस आपको स्टाइपेंड भी अच्छा तगड़ा मिलेगा गाइस। तो आप देख सकते हो जो कि फ्रेश इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, वेरी गुड एट डिजिटल या एनालॉग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको होने चाहिए, फिर एक्सीलेंट एल्गोरिथम स्किल्स आपको होने चाहिए, टीम प्लेयर आपको एक होने चाहिए, और स्ट्रॉन्ग एबिलिटी एंड पैशन टू लर्न आपके अंदर होना चाहिए, और एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। फिर बेसिक क्राइटेरिया जो कि आपको फुलफिल करना, अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो जस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना, और अगेन आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑटो फिल विथ योर रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली, तो आपको जिससे ही करना है तो आप कर सकते हो, अप्लाई मैन्युअली आप क्लिक करोगे तो आपका रिज्यूमे प्रॉपर आपको डिटेल्स आप A to Z फिल करनी पड़ेगी। अगर आप ऑटोमेटिकली करते हो तो आपके रिज्यूमे से ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स लिख के ट्रेस करके अदर एप्लीकेशन ऑलरेडी भरा भरा आपको मिल जाएगा गाइस। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, आप चाहते हो जल्दी से जल्दी एनरोल करना, तो गाइस सातों इंटर्नशिप में जो जो आपको इंटरेस्टेड लग रही है आप अप्लाई कर देना, क्योंकि किसी ना किसी में तो आपका हो ही जाएगा, किसी ना किसी में तो इंटरव्यू का आपको कॉल आ ही जाएगा, ठीक है गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अभी तक अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएं, और आप देख सकते हो वीडियो पुराने भी अगर आपने कोई मिस कर दिए मेरे अभी तक वीडियोस गाइस। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल गाइस, बाय बाय, टाटा बाय।